नमस्कार, आइए रुक करते हैं कुछ ताजा अपडेट्स की ओर। सावलिया सेठ के भंडार से निकला खजाना, चढ़ावे में 18 करोड़ से ज्यादा कैश, 48 किलो निकली चांदी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सुविख्यात मंडफिया स्थित भगवान सावरिया सेठ की चढ़ावा राशि की गणना जारी है। चौथे चरण की गणना तक 14 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। करीब 12 किलो से अधिक सोना और 48 किलोग्राम चांदी के आइटम भी प्राप्त हुए हैं। मंदिर मंडल के सदस्य शंभुलाल सुथार ने बताया कि शनिवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ठाकुर जी के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार ठाकुर जी की राजभोग की आरती के बाद ठाकुर जी का भंडार खोला गया। शनिवार को पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 6 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो मंगलवार को दूसरे चरण की गणना में 4 करोड़ 20 लाख 45 हजार, तो बुधवार को तीसरे चरण में 3 करोड़ 7 लाख रुपए निकाले गए। चौथे चरण की गणना गुरुवार को की गई। अंतरिक्ष से अगले साल लौटेंगी सुनीता विलियम्स। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को अंतरिक्ष में फंसे हुए आज 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। अब माना जा रहा है कि सुनीता विलियम्स की वापसी में लंबा समय लग सकता है। फरवरी 2025 तक होगी वापसी। नासा ने स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन में देरी की घोषणा की है। इसका प्रक्षेपण 25 सितंबर तक टाल दिया गया है। नासा के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दोनों यात्रियों को वापस लाने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य 2025 तक सुनीता विलियम्स और विलमोर को धरती पर लाना है। उन्होंने अपना प्लान भी बताया है। अधिकारी ने बताया कि क्रू 9 में केवल 2 यात्री उड़ान भर सकेंगे और हम फरवरी 2025 में 4 क्रू सदस्यों को वापस ला सकेंगे। जगदीप धनखड़ को हटाना चाहता है विपक्ष। 87 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, क्या पारित होगा महाभियोग प्रस्ताव। विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस के समय पर चर्चा करना और निर्णय लिया जाना है। खड़गे का माइक बंद करने का आरोप। कांग्रेस और ईडी गठबंधन ने शामिल कई दलों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया विपक्षतापूर्ण दिखाई देता है। हालात ये है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता, बार बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस मामले में सभापति जगदीप धनखड़ और ईडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। क्या है अनुच्छेद 67B? आपको बता दें कि अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। हालांकि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे में कम से कम 40 दिन का नोटिस न दिया गया हो। बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं, यूनुस सरकार के सामने हिंदू हुकार, दे दिया अल्टीमेटम। बांग्लादेश में कोटा का विरोध शेख हसीना के खिलाफ करते करते हिंदुओं के खिलाफ हो गया है। 2 महीने से जारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया और प्रदर्शनकारियों की जीत हो गई। देश में अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। देश किसी के बाप का नहीं। शेख हसीना के इस्तीफा देने और 5 अगस्त को देश छोड़कर जाने की बात से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। इसके खिलाफ सैकड़ों हिंदू शनिवार को ढाका में विरोध करने उतर गए। देश भर से वहां पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये देश सभी का है, सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रदर्शन में नारा भी लगाया गया कि देश किसी के बाप का नहीं है। क्या रखी गई मांग? प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ये देश हमारा भी है, हमने इसके लिए खून दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर खून देंगे, लेकिन किसी हाल में बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। सिविल सोसाइटी हमारे हालातों पर मार्गदर्शक बनी है। हम अपने घरों, धार्मिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चाहते हैं। हमारे लिए मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए और संसद में 10% सीटें रिजर्व की जाए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव जानी है बीजेपी ने किन दिग्गजों को दी किस सीट की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा गोल वार खत्म नहीं हुआ है। पार्टी आलाकमान और आरएसएस दोनों के बीच सुलह की कोशिशें अब बीजेपी में आने वाले विधानसभा उपचुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए आगामी विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से अयोध्या के मिल्कीपुर सहित 2 निर्वाचन क्षेत्रों की कमान संभाली है। जिम्मेदारी संभालने के एक दिन बाद ही वो अयोध्या पहुंच गए हैं। राम मंदिर आंदोलन का केंद्र रही अयोध्या संसदीय सीट। समाजवादी पार्टी के हाथों हारने के बाद मिल्कीपुर सीट जीतना पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों डिप्टी सीएम को दी गई 2-2 सीटों की जिम्मेदारी। पार्टी ने 10 निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के लिए अपने शीर्ष नेताओं को तैनात किया है। दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव मौर्य को फूलपुर और मंजवा में जीत दिलाने का दायित्व सौंपा गया है, जबकि ब्रजेश पाठक सीतामऊ और करहल की कमान संभालेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।